बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये विंटर 2013 के पेपर 11 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखिए, ये कह रहे थे डायग्राम शोज अ मेटल प्लेट मेड बाय फिक्सिंग टुगेदर टू पीसेस ओ ए बी सी डी शेडेड। दो पीस दें, ओ ए बी सी डी, ये एक पीस और ये दूसरा, एंड ओ ए ई डी, ओ ए ई डी, ये ओ ए ई डी, ये अनशेडेड। द पीस ओ ए बी सी डी इज अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस टू आर। ये माइनर सर्कल, माइनर सेक्टर है और इसका रेडियस ये आर इधर तक है, आर इसका रेडियस टू आर है। द पीस ओ ए ई डी इज अ मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ये मेजर सर्कल है सेंटर का और रेडियस ओ आर है इसका। अच्छा, अब आप देखिए इसके बाद क्या कह रहा है। एंगल ए और इज अल्फा रेडियन, ये अल्फा रेडियन के एंगल है। सिंप्लीफाइंग योर आंसर्स वेयर पॉसिबल फाइंड इन टर्म्स ऑफ अल्फा पाई एंड आर। अल्फा पाई आर के टर्म्स में मालूम करें द पेरीमीटर ऑफ द मेटल प्लेट। इस मेटल प्लेट का पेरीमीटर, अब देखिए पेरीमीटर में सिर्फ बाउंड्री लाइन्स आती हैं, ये डॉटेड लाइन्स हैं, ये पेरीमीटर में ओ ए और ओ बी नहीं आएगा। तो इसका पेरीमीटर जो होगा, देखें मैं इधर कर रहा हूँ कि डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं, पेरीमीटर ये होगा आर्क लेंथ एक, तो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ए ई डी प्लस ये होगा डी सी, ओ डी नहीं आएगा क्योंकि डॉटेड भी है, क्योंकि बाहर वाली ये प्लेट है ऐसे बनी हुई इस तरह, तो ये सब बाउंड्रीज आएंगी ओ ई डी और प्लस डी सी, ये डी सी सा प्लस आर्क लेंथ बी सी और प्लस ए बी। अब इसे वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, अगर ये अल्फा है तो ये जो एंगल होगी टोटल 2 पाई होती है, तो ये 2 पाई माइनस अल्फा होगी। अब आर्क लेंथ ए ई डी, ए ई डी आर्क लेंथ, इसके लिए ये होता है आर अल्फा, तो आर, तो आर होगा अल्फा की वैल्यू, आर थेटा, ये एंगल जो है 2 पाई माइनस अल्फा प्लस डी सी, डी सी ये ऐसा आर है, ये टोटल 2 आर है तो ये आर है, प्लस आर्क लेंथ बी सी, बी सी इसका रेडियस 2 आर है और ये अल्फा है, तो ये 2 आर अल्फा हो जाएगा, 2 आर अल्फा प्लस ए बी आर है। इसको सिंप्लीफाई करें, आंसर बस 2 पाई आर माइनस आर अल्फा प्लस आर प्लस 2 आर अल्फा प्लस आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, वही है माइनस आर अल्फा प्लस 2 आर अल्फा, ये हो जाएगा प्लस आर अल्फा और प्लस आर ये हो जाएगा 2R। तो ये पेरीमीटर हो गया, लेकिन बिल्कुल सिंपल पे, इसमें गलती बच्चे ये करते हैं कि ये ओ ए इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये डॉटेड है और अंदर है, तो जो इस ए के साथ, तो ये आएगा, ये इधर का हिस्सा और ये देखें बाउंड्री, बाहर की बाउंड्रीज, ये है पेरीमीटर इस तरह, तो ये पेरीमीटर है। तो इसमें देखें ये हिस्सा जो है आर टू पाई माइनस अल्फा हो गया, प्लस ये हिस्सा आर है और ये देखें ये 2R अल्फा है और प्लस R है, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 पाई R प्लस R अल्फा प्लस 2R के। अच्छा, अब आप देखें कि ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ द मेटल प्लेट, मेटल प्लेट का एरिया, एरिया ऑफ द मेटल प्लेट क्या होगा, देखें इस मेजर सेक्टर का एरिया, एरिया of A E D और प्लस एरिया ऑफ, ये बहुत आसान, दो सेक्टर्स का एरिया ऐड करते ओ बी सी, तो एरिया होता है सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर, तो 1/2 आर स्क्वायर और इसका ये एंगल है 2 पाई माइनस अल्फा प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 इसका रेडियस है 2 आर, तो 2 आर का स्क्वायर होगा और एंगल है अल्फा, तो ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये 1/2 आर स्क्वायर, इसको 2 पाई को करेगा, 2 में कैंसिल, बाकी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा 1/2 अल्फा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, इसको 2 करेगा मल्टीप्लाई, तो प्लस ये आ जाएगा 2 आर स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अब देखें ये अल्फा आर स्क्वायर है, 2 अल्फा स्क्वायर है प्लस का, ये माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा पाई आर और प्लस ये हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर अल्फा के, ये सेपरेट है, ये 2 आर स्क्वायर अल्फा है, तो पाई आर प्लस 3/2 आर स्क्वायर अल्फा, ये आ गया एरिया। ये मैंने देखिए सिंपल, ये इस सेक्टर का एरिया और प्लस इस सेक्टर का एरिया ऐड करके बात करते हैं।
अच्छा, उसके बाद ये नया इसका पार्ट एक और है, ये कह रहा है कि इट इज़ नाउ गिवन दैट द शेडेड एंड अनशेडेड पीसेज आर इक्वल इन एरिया, शेडेड और अनशेडेड इक्वल एरिया में है, तो फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ पाई। तो अल्फा को पाई के टर्म्स में लिखें। अब देखिए शेड, ये अनशेडेड का एरिया है 1/2 r² और 1/2 r² और 2π-α बराबर ये 1/2 2r का स्क्वायर इंटू अल्फा, 1/2 1/2 में कैंसिल, ये r² इंटू 2π-α इक्वल टू हो जाएगा 4r² अल्फा के। r² 0 तो नहीं है तो इसलिए काट सकते हैं, दोनों से में कैंसिल, तो 2π-α इज इक्वल टू 4α। अल्फा को उधर लेके जाए तो 2π इज इक्वल टू 4α+α, तो ये 5α आ गया 2π के, तो अल्फा आ जाएगा 2π/5 के, तो अल्फा की वैल्यू रेडियंस में आ गई 2π/5।